अभी मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र के उत्तरकाशी में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी धर्मनगरी है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है और यहीं से गंगोत्री यमुनोत्री जो दो धाम इस इलाके के हैं, यहाँ लोग यात्रा पर निकलते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे, और ये जो टिहरी का क्षेत्र है वहाँ खास तौर पर राजनीतिक बड़ी दखलंदाजी रखते हैं, सजवाण जी। सजवाण जी मेरे साथ हैं और साथ में यहाँ पे कुछ कांग्रेस के स्थानीय जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सुनील नेगी जी जो कि मेरे साथ इस सफ़र में हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी एक्सपर्ट यहाँ पे कमेंट हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सजवाण जी का स्वागत करता हूँ जागो उत्तराखंड में, और उनसे मेरा यही सवाल कि पिछली बार ये सीट बीजेपी को चली गई थी, क्या इस समय जो प्रीतम सिंह हैं वो कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? इस समय तो जनता का के मन में परिवर्तन की लहर है और प्रीतम सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इस नाते उनसे हजारों कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं। वो उत्तरकाशी जनपद में 9 वर्षों तक लगातार, 2 बार जब वो पार्लियामेंट वो उस पर मंत्री रहे हैं तो 2 बार, तो 9 साल तक वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रहे, तो इस नाते भी उनका बड़ा योगदान यहाँ है। मैं 1996 में जब उत्तराखंड आंदोलन चरम सीमा पर था, तब जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, तब मैं यहाँ इस पार्लियामेंट्री काउंसिल से चुनाव लड़ा और मैं आभारी हूँ उन लोगों का कि राज्य आंदोलन के दौरान भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसको अपना आशीर्वाद दिया था। मैं उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जहाँ जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वहाँ के सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जानता हूँ और उस तरह से मैं कह सकता हूँ रोज़ हजारों लोगों से टेलीफोनिक बात होती है, तो सबके मन में इस समय ये है कि बहुत जुमले सुन लिए और 2014 से लेकर 2017 में जिन बातों को लेकर के, जिन आश्वासनों को लेकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं, जैसे हमने भी यहाँ पे बात की है, सुनील नेगी जी ने भी बात की, तो लोग जो रानी हैं उनको नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी के नाम पे वोट देंगे, तो क्या केवल मोदी जी काम करें, जो यहाँ का सांसद चुन के जाए वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? मैं तो कह रहा हूँ रोज मोदी यहाँ आए उत्तरकाशी में, टिहरी में, उत्तराखंड में ही बने रहें, तो लोगों को याद आएगी कि इन्होंने क्या पिछली बार कहा था। अगर कुछ भूल भी गए होंगे तो फिर उनको पिछली बार की जो प्रेस विज्ञप्ति थी, उनकी प्रेस वार्ताएँ थी, वो दिखाया जा रही है। तो हम तो चाह रहे हैं वो रोज़ रहें यहाँ। मोदी ने अगर कुछ अलग से किया होता, रानी महारानी ने तो कुछ नहीं किया, ये तो निश्चित है कि उनके परिवार ने भी कुछ नहीं किया। इतने सालों तक महाराजा साहब यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ नहीं किया, और इसी का कारण है कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र हिंदुस्तान की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक को हमने पूछा, ये 5 साल का आपका क्या अनुभव है? उनका कहना है कि मोदी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने गुरुओं से और अपने श्रेष्ठ वरिष्ठों को निपटाने का कोशिश की है इन 5 वर्षों। क्या आपके सारे अडवाणी जी और अन्य लोगों के? नॉट ओनली अडवाणी, मैं ये कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने वर्षों से घायल अवस्था में पड़े थे, उनकी कभी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने, उनके चरण छूने नहीं गए। और मैंने हिंदुस्तान में, क्या हमारी तो संस्कृति ऐसी नहीं है कि अपने माँ के, अपने पिताजी के पैर छुए और जनता को दिखाएं? मोदी जी ने वो काम किया,
कि अपनी माँ के पैर छूने जाते हैं तो सारे देश को दिखाते हैं। लेकिन कार्यक्रमों के संदर्भ में भी आज नरेंद्र मोदी जी आपने दिखा होगा कि ऑल वेदर रोड्स की बात करते हैं, 12-13 हज़ार करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत तेजी से आज उत्तराखंड में काम चल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, उज्ज्वला गैस स्कीम के नाम पर वो उत्तराखंड में जब भी आते हैं तो भाषण करते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गैस कनेक्शन जोड़ा है। तीसरी, वो बात करते हैं कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में टॉयलेट्स बनाकर जनता की एक बहुत ही पुरानी समस्या का समाधान किया है। चौथी बात वो रेलवे प्रोजेक्ट्स करते हैं। और पांचवी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो देश का जो आत्मसम्मान है उन्हें जीवित रखा है, चूँकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर तीसरे परिवार में एक फौजी आता है, तो उत्तराखंड की कुर्बानी देश के लिए काम है। आपको लगता है कि इन कार्यक्रम को लेकर के और एयर स्ट्राइक के नाम पर वो इस देश में इस चुनाव को भराना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस के पास क्या ठोस कार्यक्रम है जिससे वो इन चीज़ों को काउंटर करेंगे? क्योंकि जनता के पास आप जाते हैं तो जनता को आज कार्यक्रम चाहिए, ठोस अचीवमेंट्स चाहिए, ठोस नीतियाँ चाहिए, पॉलिसीज चाहिए जिस पर वो आपको वोट दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस एक्चुअली कामों को रिप्रेजेंट करती है। कांग्रेस की जो नीति रही है वो डेवलपमेंट की नीति रही है हमेशा से, और भारतीय जनता पार्टी की नीति जो रही है वो देश में फिरका परस्ती के माध्यम से राम मंदिर के नाम से हिंदू पोलराइजेशन की और राष्ट्रवाद की भावनाओं को जनता पर फैलाने की रही है, और काओ विजिलेंटिज्म के नाम पर देश में भड़काऊ स्थिति पैदा करके किसी इन प्रकार के मेजोरिटी वोट्स को अपने पक्ष में लाने के लिए। ऐसे में कांग्रेस इस चुनाव में उत्तराखंड में ऐसे कौन से ठोस कार्यक्रम देना चाहती है जिससे कि जनता का विश्वास उसके प्रति पुनः लौट सके? जिस स्थिति में देश को कांग्रेस ने लाकर खड़ा किया था, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई, और तब जनसंघ के लोग, तब जो ये जो आज देश की सत्ता में विराजमान है वो लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, उसके सारे देश के पास प्रमाण है। और देश की आज़ादी के बाद जब देश में अपनी सुई नहीं बनती थी तो देश में पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश में पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना की। छोटे मंझोले, मैं वही कह रहा हूँ, छोटे मंझोले और बड़े उद्योगों की स्थापना की। देश की सीमाओं पर नौजवानों के हाथों को एटॉमिक एनर्जी का उन्होंने प्रारंभ किया, और राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के इस देश कांग्रेस के जितने नेता रहे उन्होंने नए नए कार्यक्रम दिए हैं। और आज जो हम पुनः एक और स्थिति में हैं कि हम, इंदिरा जी ने कहा था गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अनेक उन्होंने योजनाएँ बनाई, और हम 70% उस समय गरीबी की रेखा से नीचे थे जब ये कार्यक्रम बने थे, और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि 20% लोग अब ऐसे रह गए हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ये मात्र कांग्रेस की देन है। और जब जब गैर कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, जुमलेबाजों की सरकारें बनी हैं, तो विकास योजनाएँ धरती पर नहीं उतरी हैं। आज जिन योजनाओं को के बारे में मोदी जी कहते हैं, वो योजनाएं सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने प्रारंभ की, उन्हीं का विजन था, और आज हम ये कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि उनका उद्घाटन मोदी जी बड़े तरीके से कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। धरती पर कोई नया काम प्रारंभ उन्होंने नहीं किया, कोई एक काम बता जो उन्होंने प्रारंभ भी किया हो और काम पूरा भी हो गया। पाँच साल में हो सकता था काम पूरा, कोई काम पूरा नहीं किया वो। अगर रेलवे की बात करते हैं तो ये भी कांग्रेस का, अगर वो ये कहते हैं कि हमने उजला योजना, कितने धोखे में लोगों को रखा गया है। आप उस परफॉर्मे को पढ़ेंगे तो उजला योजना में उनको लोन पर दिया गया है, लोन दिया गया है, पांचवी किस्त जब भरेंगे तब पता लगेगा लोगों को, हमने लोगों को उसके परफॉर्मे भेजे हैं कि ये है असली में उजला योजना। और मनरेगा भी कांग्रेस का ही है, तो वो मनरेगा जो गरीबों की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए दो दो रोटी देना लगा था, उसके प्रोग्राम्स भी इन्होंने बंद कर दिए। गरीबों, एक मैं और कहना चाहता हूँ कि राशन की चीनी खत्म हो गई, राशन इतनी महंगी हो गई। पिछली बार मोदी जी ने कहा कि आपके खातों में 15-15 लाख आएंगे, और इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि 72,000 रुपये आ जाएंगे गरीब के, तो सच किसे मानेंगे? 15 लाख तो आए,
72,000 की बात इसलिए पूरे देश की जनता विश्वास कर सकती है कि जिन राज्यों में हमारे चुनाव हमने जीते उन राज्यों में किसानों की का जो ऋण था वो 10 दिन के अंदर तीनों राज्यों में माफ कर दिया गया। तो कांग्रेस की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें कही है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिस लोकतंत्र की वो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में, अब अगर उनकी बात न माने तो बताओ। उन्होंने मीडिया का मीडिया पर भी जो अत्याचार हुए वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हो, और उसके अलावा आप ये देखिए कि इसके अलावा देश के अंदर जो जो उन्होंने कहा था पंद्रह लाख भी नहीं आए। उसके अलावा उन्होंने देश में लोकतंत्र का जो बेरोजगारी की 2 करोड़ बेरोजगारों के लिए कहा, मुझे एक व्यक्ति ने जो वहाँ गुड़गांव के रहने वाले हैं उन्होंने कहा छोटे से गुड़गांव में छोटी बड़ी 1 लाख से ऊपर फैक्ट्रियां बंद हो गई, करोड़ों लोगों के हाथ का रोजगार चला गया। तो जब एक गुड़गांव में इतना हो सकता है तो पूरे भारतवर्ष में। आखिरी सवाल, चुनाव का माहौल अब गर्मी की ओर जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस की 5 सीटों में से कितनी सीट आने वाली? देखिए अभी चुनाव धीरे धीरे चढ़ रहा है और मुझे इस बात का फख्र है कि पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस जन मुझे जानते हैं, मैं पूरे उत्तराखंड को बखूबी जानता हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश को भी जानता हूँ। हम 5 सीटों को जीतकर इस समय 2009 की पुनरावृत्ति करेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा था उस समय आपसे कि भाई बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी को और जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हमने बनाई थी, CBI के डायरेक्टर को रात की 2 बजे हटाया जाता है, 2 बजे नए डायरेक्टर को बनाया जाता है और 2-2.5 बजे उनसे कई लोगों के ट्रांसफर करवाए जाते हैं, ये क्या ये कोई लोकतंत्र है? अरे सुबह रात खुलने वाली थी, 10 बजे उनका ट्रांसफर कर लेते। और फिर तो कुल मिला के आपका ये दावा है कि 5 सीटें इस बार कांग्रेस को जाएंगी, और कुछ यहाँ पे जो हमारे साथ स्थानीय यहाँ पे लोग हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑल वेदर रोड का जो निर्माण हो रहा है उस पर कहना चाह रहे हैं, आप भी आ जाएं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी शॉर्ट में कहें क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो चुका है। ऑल वेदर एक सोची समझी रणनीति है, BJP को फायदा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट में वहाँ काम चल रहा जहाँ ऑलरेडी कटिंग हो चुकी थी BRO ने, और जहाँ चौड़ी रोड बनी हुई है ऑलरेडी उस जगह काम हो रहा है, और मार्च 2019 तक का इनका लक्ष्य था पूरा करने का, वो काम पूरा नहीं हुआ। आज वहाँ है जी, हाँ, और आज जो है तमाम बिना स्वीकृति के इन्होंने पेड़ काट दिए और ऐसी प्लेन जगह ये रोड बना रहे हैं जहाँ की बनी हुई रोड है और उसका सीधा सीधा फर्जी भुगतान हो रहा है, जो सीधे सीधे गडकरी जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सारी ये धोखे से सीधे सीधे गडकरी जी को ठेका दे दिया गया, उनकी फर्म है, उनकी कंपनी है, इसकी तो निश्चित तौर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। यहाँ पे आपने देखा सुरवीर सिंह सजवाण जी जो कि दावा कर रहे हैं कि 5 की 5 जो सीटें हैं एक बार फिर से कांग्रेस को जाने वाली है, और जिसमें टिहरी संसदीय क्षेत्र का ये इलाका भी है, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी खास नाराजगी है कि जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है उसमें बड़ा गोलमाल किया जा रहा है, और वो ठेका एक तरह से जो नेशनल हाईवे के मंत्री हैं नितिन गडकरी उन्हीं को दे दिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी धन की बंदर बांट भी हो रही है, वो जांच की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में जाते हैं और उसके बाद आगे उसमें किस तरह से जांच हो पाती है और आगे इस संसदीय क्षेत्र का किस तरह से भला हो पाता है। जागो उत्तराखंड के लिए उत्तरकाशी से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।